हुकूमत पंजाब ने घरों पर सफाई सुथराई चार्जेस लगाने का फैसला कर लिया, जबकि वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए वाटर चार्जेस बढ़ाने से रोक दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी ब्राय फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का चौथा इजलास हुआ। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि पंजाब में 19.85 बिलियन रिहायशी यूनिट्स, 20 लाख कमर्शल यूनिट्स हैं। इजलास में फैसला किया गया कि 10 मरले के घरों पर 200 रुपये और 10 मरले से बड़े घरों पर 500 रुपये सैनिटरी चार्जेस लागू होंगे। मरियम नवाज ने महकमा बल्दियात को मौजूदा सैनिटेशन चार्जेस 50% से ज्यादा कम करने की हदायत कर दी। इजलास में प्राइवेट सेक्टर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए वाटर चार्जेस में इजाफे की तजवीज पेश की गई। इस तजवीज को मुस्तरद करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वाटर चार्जेस में इजाफे से बिजली मजीद महंगी होने का अंदेशा था। वज़ीर आला ने कहा कि चार्जेस बढ़ाने से रेवन्यू बढ़ेगा लेकिन बिजली की कीमत में इजाफा हो सकता है, मुखालफत करेंगे। इजलास में ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए फंड्स की मंजूरी दी, जबकि ओल्ड एज होम में रिहाइश पजीर 10 खवातीन के लिए हज का वादा पूरा करने के लिए 2 करोड़ रुपये फंड्स की मंजूरी भी दी गई। मरियम नवाज का कहना था कि हज पर जाने वाली खवातीन को खुद रवाना करेंगी। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हाउसिंग डिपार्टमेंट से मुतल्लिक इजलास हुआ। इस इजलास में सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब असद अल्लाह खान ने वज़ीर आला मरियम नवाज को अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट पर पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग दी। इजलास में सैनेटर परवेज रशीद चीफ सेक्रेटरी पंजाब और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी मौजूद थे। मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट के लिए फौरी इकदाम करने की हिदायत की।